तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑफ पेज एसईओ के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको जो है इस वीडियो को देखनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो पाए, ठीक है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में कई सारी गलतियां करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, ऑफ पेज एसईओ में आपका क्या आता है, कंप्लीटली आपकी वेबसाइट का बैकएंड आता है कि आपकी वेबसाइट के बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रही है, कौन कौन सी अच्छी अच्छी साइट्स जो है वो आपको आपकी वेबसाइट पर रेफर कर रही है, मतलब कि कौन कौन सी साइट्स आपको बैकलिंक दे रही है, ठीक है। अब ये बैकलिंक आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डू फॉलो बैकलिंक, दूसरा होता है आपका नो फॉलो बैकलिंक। तो देखिए, डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है कि इसमें आपको किसी वेबसाइट से रेफर किया जाता है आपकी वेबसाइट पर, तो विजिटर जो होता है उस वेबसाइट पर, जो भी मतलब जिस वेबसाइट से आपको रेफर किया जा रहा है उस वेबसाइट पर कोई भी विजिटर आ रहा है, वो उस जो आर्टिकल को या फिर उसकी वेबसाइट पर जो कुछ भी कंटेंट है उसे पढ़ रहा है, उसी टाइम आपकी वेबसाइट का एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पर अगर क्लिक कर रहा है तो वो आपकी वेबसाइट पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से गूगल भी उस वेबसाइट को क्राउल करते हुए, उस लिंक को क्लिक करते हुए आपकी वेबसाइट पर आ जाता है, तो वो हुआ आपका डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। अब नो फॉलो बैकलिंक क्या हुआ, नो फॉलो बैकलिंक किसी भी वेबसाइट पर आपको मिलता है तो उस वेबसाइट से विजिटर तो आपके पास आ सकता है, लेकिन जब क्राउलिंग के टाइम पर जो गूगल है वो देखता है कि आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक मिला है, लेकिन वो उस टाइम पर आपकी वेबसाइट पर जो है क्राउल करने के लिए नहीं जाएगा, तो ये हुआ आपका नो फॉलो बैकलिंक। तो ये हुए आपके बैकलिंक्स जो कि आपको अपनी वेबसाइट पर जो है 80% डू फॉलो बैकलिंक बनानी चाहिए और 20% जो आपको नो फॉलो बैकलिंक्स बनानी चाहिए, मतलब कि अगर अपनी वेबसाइट के लिए आप या फिर अपने आर्टिकल के लिए आप 10 बैकलिंक्स बना रहे हैं तो 8 बैकलिंक्स आपके डू फॉलो होने चाहिए और 2 बैकलिंक्स आपके जो है नो फॉलो बैकलिंक्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है हमारी वेबसाइट की स्पीड, अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका बाउंस रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा और बाउंस रेट ज्यादा बढ़ने की वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डाउन चली जाएगी। तो आपको जो है अपनी वेबसाइट के बाउंस रेट को इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट की पेज की स्पीड पर काम करना है, ठीक है। तो पेज की स्पीड पर काम करने के लिए सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट पर जो भी आपकी कंटेंट है, आपकी इमेजेस वगैरह वो तो लाइट वेट होती है, वो लाइट वेट रखनी है, वो मैंने ऑन पेज एसईओ में आपको बता रखा है। दूसरी चीज, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप एक अच्छी होस्टिंग को यूज कीजिए, उसमें कि आपको एक अच्छा सर्वर मिलेगा, फास्ट सर्वर मिलेगा, आप SSD स्टोरेज वाला सर्वर को जो है परचेज कीजिए और SSD स्टोरेज पर अपनी वेबसाइट को जो है आप स्टोर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी अगर होस्टिंग चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक पड़ा है, उससे जाके होस्टिंग बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको यूज करना है अपनी वेबसाइट पर कुकीज को आप सेव करा दीजिए, अपने जो भी आपके रीडर्स आ रहे हैं उन्हें कुकीज को सेव करा देंगे तो दोबारा जब भी वो आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो ज्यादा लोड टाइम नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज आप यूज कर सकते हैं वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए AMP, यानी कि एम्प प्लगइन का यूज कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो आपका सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, आपको जो है अपने सोशल से अपनी वेबसाइट पर जो है इस तरह का कंटेंट लिखना है या फिर अपनी वेबसाइट को इस तरह से एंगेजमेंट बनानी है अपनी वेबसाइट पर कि लोग आपके कंटेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, जो कि गूगल के लिए बहुत ही अच्छा साइन होता है और आपकी वेबसाइट इससे जल्दी से जल्दी जो है रैंक हो पाएगी। तो ये सारी चीजें हैं आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑफ पेज एसईओ के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी ये सारी चीजें और आप अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर क्वेरीज हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इस जैसे और भी वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं बहुत सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग और जो SEO से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, और आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।